Hello everyone, myself Rachna from Government Model Sanskriti Primary School, Choma, Gurugram. Today I am here with the telecast of Haryana EduSat broadcasting by School Education Department, Haryana. Dear students, आज का लेसन शुरू करने से पहले यहाँ हम आपको कुछ पिक्चर्स दिखाएंगे। आप उन पिक्चर्स को ध्यान से देखें और ज़रा बताने की कोशिश करें कि ये पिक्चर्स कौन कौन सी, कहाँ कहाँ की हैं। चलिए ध्यान से देखिए इन पिक्चर्स को। आप सब ने पिक्चर्स को ध्यान से देखा है तो ज़रा बताने की कोशिश कीजिए कि ये पिक्चर्स कौन कौन सी हैं, क्या आप इनके नाम बता सकते हो। कैन यू नेम द टूरिस्ट स्पॉट्स शोन इन द पिक्चर्स? क्या आप चित्रों में दिखाए गए पर्यटक स्थलों के नाम बता सकते हो? मैम ताजमहल, मैम लाल किला, मैम रॉक गार्डन और मैम ये गेटवे ऑफ इंडिया। वेरी गुड, आप सब ने बिल्कुल सही बताया। दीज आर द पिक्चर्स ऑफ ताजमहल, रेड फोर्ट, रॉक गार्डन एंड गेटवे ऑफ इंडिया। टेल द नेम्स ऑफ प्लेसेस वेयर दे आर लोकेटेड। उन स्थानों के नाम बताइए जहां पर वे स्थित हैं। मैम ताजमहल आगरा में और मैम रेड फोर्ट दिल्ली में, मैम रॉक गार्डन चंडीगढ़ में और मैम गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। वेरी नाइस, बिल्कुल सही बताया आपने। ताजमहल आगरा, रेड फोर्ट दिल्ली, रॉक गार्डन चंडीगढ़ एंड गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई। हैव यू एवर विजिटेड एनी वन ऑफ देम? क्या आपने कभी उनमें से किसी का भ्रमण किया है? हाँ मैम, मैं एक बार ताजमहल देख के आई हूँ, तब मैं अपनी गर्मी की छुट्टियों में वहाँ गई थी। वेरी गुड, तो इसके लिए आप जहाँ भी गए हैं उसके लिए लिखेंगे यस आई विजिटेड, और जौन सी जगह पे गए हैं वहाँ, और जब भी गई हैं जैसे यस आई विजिटेड ताजमहल आगरा इन माय समर वैकेशन। टेल द नेम ऑफ एनी अदर हिस्टोरिकल प्लेस यू मे हैव ऑलरेडी विजिटेड। किसी अन्य ऐतिहासिक स्थान का नाम बताइए जिसका आपने पहले भ्रमण किया हो। मैं गोल्डन टेंपल अमृतसर में है ना, वहाँ घूम के आई हुई हूँ। वेरी गुड, गोल्डन टेंपल इन अमृतसर। नेम द प्लेसेस दैट यू वुड लाइक टू विजिट। उन स्थानों के नाम बताइए जिनका आप भ्रमण करना चाहोगे। मैम मैं जम्मू कश्मीर में जाना चाहूँगा। ओके मैम, मुझे तो ना एक बार अमृतसर में जाना है गोल्डन टेंपल देखने। ओके मैम, मैं तो मुगल गार्डन देखने के लिए जाऊंगी। वेरी गुड, तो आप जहाँ भी जाना चाहते हैं आप उन प्लेसेस के नाम यहाँ लिख सकते हैं। प्यारे बच्चों, आप सब ने इन पिक्चर्स को ध्यान से समझ लिया है। ये हमारे टूरिस्ट स्पॉट्स हैं
और यहाँ पर बहुत से टूरिस्ट आते हैं और घूमकर जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आफ्टर प्री रीडिंग नाउ वी विल डू रीडिंग। हाँ बच्चों, पढ़ने से पहले दिखाई गई पिक्चर्स को ध्यान से समझने के बाद अब हम अपने लेसन की रीडिंग करेंगे। टुडे वी विल रीड लेसन नंबर 10, कुरुक्षेत्रा, अ ग्लिम्प्स फ्रॉम माय बुक ऑफ इंग्लिश क्लास 5th। लेट अस रीड द चैप्टर एंड हैव ए लुक ऑफ कुरुक्षेत्रा बाय रीडिंग दिस लेसन। आज हम इस लेसन को पढ़ के कुरुक्षेत्र के बारे में बहुत कुछ जान पाएंगे। आई होप यू ऑल विल पे अटेंशन ऑन द रीडिंग। लेट अस स्टार्ट। इट वॉज अ ब्यूटिफुल फ्राइडे मॉर्निंग आफ्टर अटेंडिंग द मॉर्निंग असेंबली वाइल वी ऑल वर sitting in the classroom, our class teacher entered with a smiling face. All of us became attentive and looked curiously towards him. He said, "Here is a piece of good news for all of you. This Sunday we are going to visit Kurukshetra." On hearing this, the whole class clapped cheerfully. यह शुक्रवार की एक सुंदर सुबह थी। प्रार्थना सभा के पश्चात जब हम अपने कक्षा कक्ष में बैठे थे तो हमारे अध्यापक ने मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ कक्षा कक्ष में प्रवेश किया। हम सभी चौकन्ना हो गए और उत्साहपूर्वक उनकी ओर देखने लगे। उन्होंने कहा, आप सभी के लिए एक अच्छी खबर है, इस रविवार को हम कुरुक्षेत्र का भ्रमण करने जा रहे हैं। यह सुनते ही पूरी कक्षा ने खुशी के साथ तालियां बजाई। ऑन संडे मॉर्निंग वी ऑल गैदर्ड इन आवर स्कूल कैंपस। टू ऑफ आवर टीचर्स वर देयर to accompany us. We boarded the bus joyfully. As the bus moved, some children started playing Antakshri, while others enjoyed watching the scenes that were passing by. On the way, we ate fresh fruits. After a few hours, our teacher announced, "Children, now we are going to enter Kurukshetra through the beautiful gate named Gita Dwar." रविवार को सुबह के समय हम अपने विद्यालय के प्रांगण में इकट्ठे हुए। हमारे साथ जाने के लिए हमारे दो अध्यापक भी वहां पर थे। हम खुशी खुशी बस में सवार हुए। जैसे ही बस चली, कुछ बच्चों ने अंताक्षरी खेलना शुरू कर दिया, जबकि अन्य बच्चे पास से गुजर रहे दृश्यों का नज़ारा ले रहे थे। रास्ते में हमने ताज़े फल खाए। कुछ घंटों के बाद हमारे अध्यापक ने घोषणा की, "बच्चों, अब हम सुंदर द्वार, जिसे गीता द्वार कहा जाता है, से होकर कुरुक्षेत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं." All the children were fascinated on seeing the grand gate. As we moved further through the gate, we were filled with excitement. As soon as the bus stopped, all of us hurriedly got off the bus. Our teacher took us to Kurukshetra Panorama and Science Center. उस भव्य द्वार को देखकर
सारे बच्चे आश्चर्यचकित हुए। जब हम द्वार से होकर आगे बढ़े तो हम उत्तेजना से भर गए। जैसे ही बस रुकी तो हम सभी जल्दी जल्दी बस से नीचे उतर गए। हमारे अध्यापक हमें कुरुक्षेत्र, पनोरमा और विज्ञान केंद्र लेकर गए। एज वी एंटर्ड द बिल्डिंग वी फाउंड आवरसेल्व्स इन अ वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। व्हेन वी वेंट अप टू द फर्स्ट फ्लोर द वार ऑफ महाभारता केम अलाइव बिफोर आवर आइज। द चैंटिंग ऑफ द गीता एंड वार क्राइज मिक्स्ड विद लाइटिंग ट्रिक्स क्रिएटेड अ लेवली एटमोस्फियर। देन आवर टीचर सेड, चिल्ड्रन लेट्स मूव आउट। जैसे ही हमने भवन के अंदर प्रवेश किया तो हमने खुद को विज्ञान के एक अद्भुत संसार में पाया। जब हम ऊपर पहली मंजिल पर गए तो महाभारत का युद्ध हमारी आंखों के सामने सजीव हो गया। गीता का उच्चारण और प्रकाश के कर्तव्यों से मिश्रित युद्ध की चीखें एक संजीदा वातावरण पैदा कर रही थी। तब हमारे अध्यापक ने कहा, बच्चों चलो बाहर चलते हैं। एज वी मूव्ड आउट वी कुड सी श्री कृष्णा म्यूजियम। हेयर वी वर फेस टू फेस विद द ऑब्जेक्ट्स ऑफ आर्ट रिलेटेड टू श्री कृष्णा, कुरुक्षेत्र एंड महाभारता। जैसे ही हम बाहर निकले तो हम श्री कृष्ण संग्रहालय देख सकते थे। यहाँ पर हम श्री कृष्ण, कुरुक्षेत्र और महाभारत से जुड़ी कला की चीज़ों के प्रत्यक्ष दर्शन कर सकते थे। इन द नेक्स्ट 5 मिनट्स वी वर क्लोज टू अ वेरी बिग पॉन्ड ऑफ वॉटर। आवर टीचर टोल्ड अस दैट इट वॉज ब्रह्म सरोवर। ऑल ऑफ अस वर अमेज्ड टू सी सच अ बिग पॉन्ड दैट वी हैड नेवर इमेजिन्ड। इट वॉज फुल ऑफ क्रिस्टल क्लियर वॉटर। सम ऑफ अस वॉन्टेड टू टेक ए डिप एंड अ नोट फ्रॉम आवर टीचर फिल्ड अस विद जॉय। मैनी अदर पीपल वर सिंगिंग हाइमंस वाइल टेकिंग अ डिप इन टू द सरोवर। हेयर वी सा अ बिग ब्रॉन्ज चैरियट विद अर्जुना एंड श्री कृष्णा ऑन इट। अगले 5 मिनट में हम पानी के एक बहुत ही बड़े तालाब के निकट थे। हमारे अध्यापक ने हमें बताया कि यह ब्रह्म सरोवर है। हम सभी इतने बड़े तालाब को देखकर हैरान रह गए, जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वह स्वच्छ जल से भरा हुआ था। हमारे में से कुछ बच्चे तालाब में डुबकी लगाना चाहते थे और अध्यापक के द्वारा सहमति मिल जाने पर हम खुश हो गए। बहुत से अन्य लोग सरोवर में डुबकी लगाते हुए मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। वहाँ हमने कांसे की धातु का एक बहुत बड़ा रथ देखा, जिस पर अर्जुन और श्री कृष्ण सवार थे। आफ्टर दिस वी हैड आवर लंच इन अ पार्क एंड पुट द लीटर इन टू द डस्टबिन। आफ्टर टेकिंग रेस्ट फॉर अ वाइल वी स्टार्टेड अगेन एंड सून वी वर इन फ्रंट ऑफ धरोहर म्यूजियम। इनसाइड इट वी फाउंड रियल सीन ऑफ रूरल फोक लाइफ ऑफ हरियाणा। आर्टिस्ट एंड
craftsmen were shown at work in actual working environment. इसके बाद हमने एक पार्क में अपना दोपहर का भोजन किया और कचरे को कूड़ेदान में डाला। थोड़ी देर आराम करने के पश्चात हम फिर से चल पड़े और कुछ देर बाद ही हम धरोहर संग्रहालय के सामने थे। इसके अंदर हमने हरियाणा के ग्रामीण लोक जीवन की असली झलकियों को देखा। कलाकारों और शिल्पकारों को वास्तविक रूप से कार्य करने के वातावरण में काम करते हुए दिखाया गया था। आफ्टर दैट वी वेंट टू द कल्पना चावला मेमोरियल प्लेटेनेरियम। एज वी मूव्ड इनसाइड ऑल ऑफ अस फेल्ट एज वी वर इन द स्पेस। द सोलर सिस्टम रिवॉल्व्ड अराउंड अस। मैनी ऑफ अस गॉट टू नो आवर वेट ऑन डिफरेंट प्लेनेट्स। द ग्लिम्स ऑफ डॉक्टर कल्पना चावला'स लाइफ filled us with a sense of pride. उसके बाद हम कल्पना चावला यादगारी तारामंडल में गए। जब हम अंदर गए तो हम सभी ने ऐसा महसूस किया कि जैसे कि हम अंतरिक्ष में हों। सौर मंडल हमारे चारों ओर घूम रहा था। हमारे में से कुछ ने विभिन्न ग्रहों पर अपने भार का ज्ञान हासिल किया। डॉक्टर कल्पना चावला के जीवन की झलकियों ने हमें गर्व की एक भावना से भर दिया। बाय 6 o'clock इन द इवनिंग वी रीच्ड ज्योतिसर। आवर टीचर शोड अस द एंशियंट होली बेनियन ट्री वेयर लॉर्ड कृष्णा हैड प्रीस्ट द भगवद गीता टू अर्जुना ड्यूरिंग द वॉर ऑफ महाभारत। इट वॉज गेटिंग डार्क वेन आवर टीचर्स कॉल्ड अस फॉर द लाइट एंड साउंड शो हाईलाइटिंग द गीता सार। वी लर्न दैट वी शुड डू आवर ड्यूटीज विदाउट वरिंग अबाउट द results. We enjoyed the show very much. Then our teachers announced that it was time for the journey back home. It was really an entertaining, informative and memorable experience for all of us. शाम को 6 बजे तक हम ज्योतिसर पहुंच गए। हमारे अध्यापक ने हमें वह प्राचीन पवित्र बरगद का पेड़ दिखाया जहाँ पर महाभारत के युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दिया था। अब अंधेरा होने जा रहा था। जब हमारे शिक्षक ने हमें गीता सार का बखान करने वाले प्रकाश और ध्वनि खेल के लिए बुलाया, हमने सीखा कि हमें परिणाम की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों को पूरा करना चाहिए। हमने शो का बहुत अधिक आनंद उठाया। जब हमारे अध्यापकों ने घोषणा की कि अब घर वापसी की यात्रा का समय हो गया है, यह वास्तव में एक मनोरंजक, ज्ञानवर्धक और हम सभी के लिए कभी न भूलने वाला अनुभव रहेगा। प्यारे बच्चों, यहाँ हमने कुरुक्षेत्र की एक झलक देखी और साथ में हमें पता चला कि कुरुक्षेत्र में क्या क्या चीज़ें हैं, वहाँ के गीता द्वार के बारे में, कुरुक्षेत्र पनोरमा के बारे में, वहाँ के साइंस सेंटर के बारे में और साथ ही हमें श्री कृष्ण म्यूजियम, ब्रह्म सरोवर, धरोहर म्यूजियम, कल्पना चावला का यादगारी तारामंडल और ज्योतिसर, साथ में वह पुराना बरगद का पेड़, पवित्र पेड़ जहाँ श्री कृष्ण जी ने
अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दिया था, साथ ही यह सीख भी ली कि हमें परिणाम की चिंता किए बगैर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। यह सब हमने इस चैप्टर में पढ़ा और समझा। डियर स्टूडेंट्स, आफ्टर रीडिंग द चैप्टर नाउ वी विल डू द वर्ड मीनिंग्स। हाँ बच्चों, अब हमने पाठ को पढ़ लिया है और रीडिंग करने के दौरान जो भी हमें नए शब्द मिले हैं, कुछ ऐसे शब्द भी हमने यहाँ पे पढ़े हैं जिनका हमें मीनिंग नई पहली बार पता चला होगा, तो पाठ से जुड़े कुछ वर्ड मीनिंग्स को हम यहाँ करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। क्यूरियसली, ईगरली, उत्सुकता से। चीयरफुली, हैप्पीली, खुशी से। अकंपनी, गो अलोंग विद, साथ में। फैसिनेटेड, चार्म्ड, आकर्षित हुए। पनोरमा, अ वाइड व्यू, दृश्यावली। चैंटिंग, रिसाइटेशन, जाप। चैरियट, अ टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज्ड इन द ओल्डन डेज। रथ। लीटर, गार्बेज, कचरा। फोल्क, ट्रेडिशनल, पारंपरिक। प्लेनेटेरियम, अ बिल्डिंग कंटेनिंग इमेजेस ऑफ नाइट स्काई, तारा मंडल संग्रहालय। ग्लिम्प्स, शॉर्ट व्यू, झलक। प्रीस्ट, टॉट, उपदेश दिया। मेमोरेबल, वर्थ रिमेम्बरिंग, यादगार। प्यारे बच्चों, ये हमारे पाठ से जुड़े हुए वर्ड मीनिंग थे जिनको हमने यहाँ पर समझा। स्टूडेंट्स, दिस वन इज द फर्स्ट पार्ट। वी विल मीट सून इन द सेकंड पार्ट। अप टू देन, बाय।